अभिनेता सतीश कौशिक की मौत पर एक महिला ने दावा किया कि उनकी हत्या की गई है। 8 मार्च की रात सतीश दिल्ली के फार्म हाउस में एक पार्टी में शामिल हुए थे। फार्म हाउस के मालिक और बिजनेसमैन सतीश मालू की पत्नी ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। महिला ने कहा है कि उनके पति विकास मालू ने 15 करोड़ रुपए के लेन देन के लिए सतीश कौशिक की हत्या कर दी। महिला विकास मालू की दूसरी पत्नी है। विकास ने इन आरोपों को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 30 साल से विकास कौशिक उनके परिवार की तरह हैं। पुलिस इस मामले में अब विकास मालू से पूछताछ करेगी। 8 मार्च की रात सतीश कौशिक का निधन हो गया था। वे 66 वर्ष के थे। पोस्टमार्टम में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई थी। महिला ने शनिवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि सतीश उनके पति से पैसे वापस मांग रहे थे, जिससे उनके पति चुकाना नहीं चाहते थे। सतीश कौशिक की हत्या कुछ दवाइयों के जरिए की गई है, जिसका इंतजाम उसी के पति ने किया था। INS की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने कहा कि 13 मार्च 2019 को उसकी शादी बिजनेसमैन विकास से हुई थी। पत्नी ही उसे सतीश कौशिक से मिलवाया था। इतना ही नहीं, सतीश अक्सर पति पत्नी से दुबई और भारत में मुलाकात भी किया करते थे। महिला के मुताबिक 23 अगस्त 2022 को सतीश कौशिक दुबई में उनके घर आए थे। इस दौरान उन्होंने उसके पति से 15 करोड़ रुपए मांगे थे। महिला ने कहा कि मैं ड्राइंग रूम में मौजूद थी, जहां सतीश और विकास के बीच बहस हो गई थी। कौशिक उससे कह रहे थे कि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है और 3 साल पहले मेरे पति को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दिए थे। सतीश ने कहा था कि ना तो उनके पैसों से कोई निवेश किया गया और ना ही उनका पैसा लौटाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महिला ने दुबई में हुई एक पार्टी की फोटो भी शेयर की। महिला ने दावा किया कि उस पार्टी में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बेटा मौजूद था। जब मैंने अपने पति से पूछा कि क्या मामला है, तो उसने कहा कि सतीश के रुपए कोविड के दौरान खत्म हो गए हैं। महिला की तरफ से दावा किया गया कि उसका पति कई तरह के ड्रग्स का कारोबार भी करता है और उसी ने ही सतीश कौशिक को मारा है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं।